Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. अगस्त का महीना आ चुका है और पहले ही बहुत सारी बारिश हो चुकी है, बहुत सारी जगह फ्लड्स भी आ चुका है और बहुत सारा पानी गिर रहा है आसमान से। तो उम्मीद करते हैं कि अगस्त के महीने में बहुत सारे फोन्स हमें मिलने वाले हैं। नॉर्मली सैमसंग और ज़ोमी पहले ही टीस आउट कर चुके हैं कि वो अगस्त के महीने में बहुत सारे फोन्स लेकर आने वाले हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में कि हम भाई कौन से जो टॉप फोन है वो लॉन्च होने वाले हैं। तो मैं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं टेक्निकल चार्जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई देखते हैं इस महीने में सैमसंग अपनी दोबारा नंबर वन पोजीशन स्कोर कर पाता है कि नहीं कर पाता, या फिर ज़ोमी अपने नंबर वन पोजीशन पे आ पाता है कि नहीं आ पाता। तो चलिए हम पहले फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आने वाला है ज़ोमी की तरफ से, जो कि है ज़ोमी MI A2। काफ़ी महीनों से इस फ़ोन की हमें वेट हो रही थी कि भाई इंडियन मार्केट में कब आएगा। फाइनली ज़ोमी ने कह दिया कि अगस्त 9 को ये फ़ोन आने वाला है। और मैं अगर इसकी बात करूँ स्पेसिफिकेशंस की, तो स्नैपड्रैगन 660 आपको मिलने वाला है और प्लस आपको जो मिलने वाला है इसमें मिलने वाला है 12 MP प्लस 20 MP का कैमरा मिलने वाला है। बैटरी थोड़ा 4000 mAh के आसपास होने वाली है और जो इसमें आपको क्विक सपोर्ट मिलने वाला है चार्ज का, USB टाइप सी मिलने वाला है, 6.5 इंचेस की स्क्रीन मिलने वाली है। काफ़ी कुछ है इस फ़ोन में। जब ये फ़ोन लॉन्च होता है तो हम एक बार इसकी देखते हैं स्पेसिफिकेशन, कैमरा सैंपल्स लेकर देखते हैं कि भाई कैसा दिखता है कि नहीं दिखता, वैसा ये बजट मार्केट में आता है कि आता। प्राइस रेंज क्या होता है एक्चुअली, प्राइस रेंज का बड़ा फर्क है कि अगर ज़ोमी अगेन इसको 15,000-16,000 करता है तो फोन अगेन दोबारा हिट जाएगा, अपने ही ब्रांड रेडमी नोट 5 प्रो जो कि अब तक नंबर वन है इस प्राइस रेंज में, उसी को टक्कर देने वाला है ये फ़ोन। दूसरा फ़ोन जो मैं बोलने वाला हूँ वो आने वाला है सैमसंग की तरफ से जो कि है ON8। सेमली पैकेजिंग कर रखी है J8 की, 6 इंचेस की आपको स्क्रीन मिल जाएगी, 450 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल जाएगा, 60 MP के आसपास आपको कैमरा मिल जाएगा, 3500 mAh बैटरी मिल जाएगी। सैमसंग लगता है कि दोबारा रीपैकेज कर अपने फ़ोन बेच रहा है कि भाई चलो थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं और उसको देखते हैं कि मार्केट में दोबारा चलता है कि नहीं चलता। जब आपके मार्केट में सेम J8 था तो आपको ON8 लाने की क्या ज़रूरत थी। ये तो एक टाइप से ये हुआ कि भाई आप यूज़र को कह रहे हो कि भाई प्रोडक्ट हमारा पुराना ही है, बस आप नए पैकेज में दोबारा चीज़ें खरीद लो। ये तो एक तरह से अपने यूज़र को प्रोडक्ट चिपकाए जा रहे हैं पुरानी चीज़ों में, ये बात मुझे अब तक समझ में नहीं आ रही। तो ये था दूसरा नंबर फोन जो कि लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट में। थर्ड फोन जो मैं बात करने वाला हूँ वो आने वाला है ब्लैकबेरी की तरफ से जो कि है ब्लैकबेरी इवॉल्व एंड ब्लैकबेरी इवॉल्व एक्स। तो दो बजट के फ़ोन जो लॉन्च करने वाले हैं ब्लैकबेरी। प्राइस रेंज जो अभी तक पता चला है इस फ़ोन रेंज की वो है अराउंड 25,000-35,000। अगेन अब प्रीटी मच हाई प्राइस जिसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर। कैमरा सैंपल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक बार कैमरा टेस्ट करके देख लेंगे जब फ़ोन आएंगे कि भाई जब कोई खरीदता है तो तब हमें फ़ोन मिल जाएगा, तो एटलीस्ट तब पता चल जाएगा कि भाई कितना ऐसा दम है फ़ोन में। एटलीस्ट ब्लैकबेरी को अपनी साइड इस टाइम पर चेंज करनी चाहिए कि भाई अपना थोड़ा बहुत फ़ोन के जो प्राइस है थोड़ा सा कम करे ताकि यूज़र्स को खरीद सके और फिर थोड़ा सा जो उनका मार्केट शेयर जो थोड़ा बहुत भी बचा है वो एटलीस्ट वो दोबारा उसे गेन कर सके। फोर्थ फोन जो मैं बात करने वाला हूँ आने वाला है ओनर की तरफ से जो कि है Play 6। हाँ जी, इसमें ओनर Play 6 में आपको मिल जाएगा 6.3 इंच का स्क्रीन, 19:9 का डिस्प्ले रेशो आपको मिल जाएगा। इसमें 6 GB ऑफ रैम और 64 GB एस प्लेस जो सजेस्ट करता है कि इससे आपको पता चलता है कि ये फ़ोन गेमिंग के लिए बना है। इसमें आपको मिल जाएगा क्रीन 970 प्रोसेसर। ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है अगस्त 9 को। जब लॉन्च होता है तो देखते हैं इसमें हमें कौन स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं। बैटरी जो है इसमें आपको मिल जाएगी 3500 mAh के आसपास। इस प्राइस रेंज में अगर ये बात करो तो प्राइस रेंज में जो आ सकता है वो है 30,000-40,000 के आसपास। और गेमिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखते हैं हवाई जब ये लॉन्च करता है तो हमें क्या क्या चीज़ें और देखने को मिलती हैं। और अगर मैं बात करूँ अब सैमसंग की तरफ से, जो नेक्स्ट फ़ोन मैं बताने वाला हूँ वो लॉन्च होगा सैमसंग की तरफ से जो कि होगा नोट सीरीज़ में नोट 9। सैमसंग लेकर आने वाला है अपना एक वो नोट सीरीज़ जो कि नोट 9। टीजिंग उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है, कुछ लीक्स भी हुए हैं बैक की तरफ से जिसमें कि नज़र आता है हमें डुअल सेटअप है कैमरा का और पेन तो आपको मिलेगा ही इसमें ताकि आप स्टाइलिश नोट सीरीज में जो लिख सकें। थोड़ा सा सैमसंग को अपनी चेंज करनी चाहिए थोड़ी सी स्टाइलिंग में या कैसे भी। तो यही है सैमसंग की तरफ से, देखते हैं कि भाई अभी स्पेसिफिकेशन हमें इतना पता नहीं, जब लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। अगेन 60,000 का फ़ोन मिलेगा फ्लैगशिप के आसपास जो मुझे प्राइस रेंज लगता है। अगर सैमसंग थोड़ा सा वो प्राइस रेंज कम कर दे तो मेरे ख्याल से दोबारा लोग नोट सीरीज के जो फैंस हैं वो उन्हें बाय करना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत सारे फ्लैगशिप फोन हैं जो आपके ऑलमोस्ट 28,000 से शुरू हो जाते हैं और जो इस टाइम पे काफ़ी टक्कर दे रहे हैं सैमसंग जैसे ब्रांड को। तो अगर उन्हें अपना मार्केट शेयर दोबारा गेन करना है तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि नोट सीरीज़ के साथ, जो कि ऑलरेडी यूजर काफ़ी पसंद करते हैं नोट 8 नोट 7 को लेकर, तो अगेन उनके साथ जाकर दोबारा मार्केट शेयर गेन कर सकता है सैमसंग। ओप्पो लास्ट मंथ में अपना ही पहले फ़ोन लॉन्च कर चुका था जो कि था ओप्पो फाइंड एक्स।
तो इस महीने वो लॉन्च करने वाला है एफ सीरीज के अंदर ओप्पो एफ नाइन प्रो। अगेन सेल्फी सेंट्रिक फोन होगा जो कि अराउंड होगा 25 मेगापिक्सल के आसपास। अगेन इसकी स्पेसिफिकेशन जो बोलते हैं 6 इंच ऑफ स्क्रीन आएगी, नॉच के साथ शायद आएगी ना क्योंकि अभी तक कोई इमेज ऐसी लीक हुई नहीं है। नॉर्मली 2018 नॉच वाला ये है तो हो सकता है कि नया नॉच के साथ ही फ़ोन आए, और देखते हैं जब ये फ़ोन लॉन्च होता है नॉर्मली मिड अगस्त के आसपास तो ये फ़ोन लॉन्च हो ही जाएगा। प्राइस रेंज की बात करूँ तो प्राइस रेंज अगेन 22,000 के आसपास होने की उम्मीद है। लास्ट फोन जो मैं टॉक करने वाला हूँ वो आने वाला है नोकिया की तरफ से। काफ़ी लंबे टाइम से नोकिया के फ़ोन की काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा हो रही है मैं कहूँ तो, काफ़ी लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं जो कि है नोकिया का एक्स सीरीज के अंदर X6 जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है चाइना में और बाहर बाहरी देशों में। इस फ्राइव की अगर रेंज करूँ तो अगर मैं इसे इंडियन रुपीज़ में कमा करता हूँ तो 14,000 to 15,000 के आसपास आना चाहिए जो कि होना चाहिए नोकिया का 6.1। पर जब ये इंडियन मार्केट में आता है तो अपने थोड़ा कस्टम ड्यूटी लगा के वो लगा के थोड़ा प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ये फ़ोन आपको नॉच के साथ मिलने वाला है, काफ़ी अच्छे से स्पेसिफिकेशन है, आपको 3GB रैम में 32GB और 4GB रैम में और 64GB में आपको मिलने वाला है। तो जो देखते हैं इस साल क्योंकि थोड़ा बहुत इनकी जो इंडियन वेबसाइट्स है उस पर ऑलरेडी सपोर्ट वगैरह आने लग गए हैं तो उम्मीद करते हैं कि इस बार ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा इंडियन मार्केट में मंथ ऑफ अगस्त में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा पीछे का व्यू अभी और ये वीडियो भी। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे एक रेड बटन होगा उसे जरूर जाकर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी सुझाव हो जो आप लिखना चाहते हो कमेंट करके जरूर नीचे बताएं।